नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं साबरमती एक्सप्रेस की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और साथ साथ डेली रेलवे न्यूज़ के लिए। तो चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। बात की जाए साबरमती एक्सप्रेस की, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 19165/66 और 19167/68। ये दो अलग अलग रूट की ट्रेन है। जो 19165/66 है ये अहमदाबाद से दरभंगा के बीच चलती है और 19167/68 है ये वाराणसी से अहमदाबाद के बीच चलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद से दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस की, जो है 19165/66। ट्रेन की बात की जाए तो ये अहमदाबाद जो पड़ता है गुजरात में, वहाँ से दरभंगा जो पड़ता है बिहार में, इसके बीच चलती है। ये वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा देखरेख करी जाती है। ये एक ट्राई वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है, मतलब वीक में 3 दिन चलती है। इसके करीबन 15 स्टॉप्स हैं। डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1946 किलोमीटर का। एवरेज टाइम लगता है 46 आवर 25 मिनट। क्लासेस की बात की जाए तो ICF रेक शेयर होते हैं, जिसमें से एक सेकेंड AC का कोच, दो थर्ड AC के, 13 स्लीपर क्लास, 4 जनरल अनरिजर्व, 2 पार्सल वैन कम सेकेंड क्लास लगेज जो होता है वो यूज़ होता है। ऑपरेटिंग स्पीड की बात की जाए तो 44 km/h मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है और 110 km/h मैक्सिमम है। रूट्स या हॉल्ट की बात की जाए तो अहमदाबाद जंक्शन से निकल के आनंद जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, बीना जंक्शन, झांसी जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ चाराबाग, फैज़ाबाद जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, आजमगढ़, बलिया जंक्शन, छपरा जंक्शन, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा पहुंचती है। लोकोमोटिव की बात की जाए तो वडोदरा शेड का V4 का लोकोमोटिव यूज़ होता है अहमदाबाद टू रतलाम तक। फिर आफ्टर रतलाम से दरभंगा तक रतलाम शेड का WDP-4D या 4E का लोकोमोटिव यूज़ होता है टिल दरभंगा जंक्शन तक। टाइमिंग्स की बात की जाए तो 19165 जो है वो अहमदाबाद जंक्शन से हर संडे, वेनसडे, फ्राइडे को निकलती है रात में 11 बजे और तीसरे दिन सुबह दरभंगा पहुंचती है 7:15 पे। फिर 19166 जो है वो दरभंगा जंक्शन से हर मंडे, वेनसडे और सैटरडे को निकलती है 4:35 पे सुबह सुबह और तीसरे दिन अहमदाबाद पहुंचती है 3:45 सुबह सुबह। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक